हेलो गाइस, वेलकम टू विद्या फर्स्ट। मैं हूं सुनील कुमावत और ये है वीडियो नंबर 2 फॉर इकोनॉमिक्स क्लास 11। तो क्लास 11 सेशन, नए सेशन के वीडियो की हम बात कर रहे हैं और आज हम बात करने वाले हैं इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमिक्स को डिफाइन कैसे किया जाए। ठीक, तो शुरुआत करते हैं। हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स को डिफाइन करने की, डेफिनेशंस ऑफ इकोनॉमिक की। अब यदि आप जब इकोनॉमिक्स को डिफाइन करने जा रहे हैं तो सिंपली आपको एक डेफिनेशन बोलना है और सिंपल डेफिनेशन है आपकी, इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट मेकिंग चॉइसेस इन प्रेजेंस ऑफ स्कर्सिटी। अब मैं डेफिनेशन पे आता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि इकोनॉमिक्स को जो है टाइम बाय टाइम अलग अलग जो है लोगों ने डिफाइन किया है। अब समय के साथ इसमें चेंजेस आया है। अब समय के साथ चेंजेस क्यों आया है, क्योंकि ये कोई एग्जैक्ट साइंस नहीं है। एग्जैक्ट साइंस में जैसे कि आप मैथ्स की बात करें, मैथ्स में 2 और 2 हमेशा 4 ही होंगे, लेकिन यहाँ जो इकोनॉमिक्स जो है, ये इकोनॉमिक्स एग्जैक्ट साइंस नहीं है। इट मीन्स ये कि जैसे हम बोलते हैं कि प्राइस बढ़ी है, तो प्राइस बढ़ती है किसी चीज़ की तो उसकी डिमांड कम हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा हो एग्जैक्ट हो कि 10% बढ़ी है तो ये 10% ही कम होगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो ये एग्जैक्ट साइंस नहीं है। अब कोई चीज़ एग्जैक्ट नहीं है तो उसमें क्या है, समय के साथ लोगों के विचार बदलेंगे, समय के साथ चीज़ें बदलती जाएगी, तो समय के साथ अलग अलग डेफिनेशंस इसकी दी गई है। ठीक, तो इकोनॉमिक्स तो जब हम डिफाइन कर रहे हैं तो हमें मेजरली हम जो है 4 तरीके से हम उसको डिफाइन करते हैं। तो इकोनॉमिक्स को जो है 1776 में डिफाइन किया है, जो कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कंसिडर किए जाते हैं, कौन, एडम स्मिथ। तो एडम स्मिथ ने डिफाइन किया है एज ए, इसको उन्होंने बोला कि इट इज द साइंस ऑफ वेल्थ, है ना, ये वेल्थ का साइंस है। तो एडम स्मिथ ने इसको वेल्थ का साइंस के तौर पर इसको डिफाइन किया है, इन्होंने अपनी बुक में भी जो है इसको डिफाइन किया है किस तरीके से कि भाई ये जो इकोनॉमिक्स जो है इसमें हम स्टडी करते हैं वेल्थ के बारे में, कि कैसे वेल्थ जनरेट की जाए, कैसे एक इकोनॉमी, कैसे एक कंट्री, कैसे लोग जो है वेल्थ जनरेट करते हैं, यानी कि अब वेल्थ जनरेट करते हैं, कमाई जनरेट करते हैं, वेल्थ समझते हैं आप लोग सभी। तो ये इन्होंने बोला, इनको क्या बोला जाता है, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स बोला, कंसिडर किया गया। उसके बाद में वही समय के साथ चीज़ें बदली, फिर ये दूसरा आए अल्फ्रेड मार्शल, इन्होंने बोला कि नहीं सिर्फ वेल्थ जनरेट करना नहीं है, क्योंकि वेल्थ जनरेट करते हैं पर उसमें यह भी देखना जरूरी है कि वेल्थ जनरेट तो हो रही है लेकिन लोगों को इससे लोगों का भला हो रहा कि नहीं हो रहा। जैसे आप देखिए, आज कोई चीज़ का प्रोडक्शन होता है, अब कोई चीज़ का प्रोडक्शन होता है तो उससे किसी को सैलरी मिलती है, उसी से किसी को रेंट मिलता है, किसी को रॉयल्टी मिलती है, किसी को कमीशन मिलता है, किसी को प्रॉफिट मिलता है। तो एक चीज़ का प्रोडक्शन होता है तो खाली वेल्थ जनरेट नहीं होती, वेल्थ के साथ साथ में लोगों को रोजगार भी मिलता है और लोगों का भला भी होता है। तो इकोनॉमिक्स इस बारे में है कि लोगों का कितना भला हो रहा है ना, यानी कि इकोनॉमिक्स इस बारे में स्टडी है कि भला कितना हो रहा है, वेलफेयर कितना हो रहा है, वेलफेयर कैसे किया जाए, इस बारे में इकोनॉमिक्स है। ऐसा इन्होंने बोला, इसने अल्फ्रेड मार्शल ने, तो नई डेफिनेशन बन गई अल्फ्रेड मार्शल के अकॉर्डिंग, डेफिनेशन बन गई आपकी वेलफेयर ओरिएंटेड डेफिनेशन। फिर लियोनल रॉबिन्सन आए, तो लियोनल रॉबिन्सन ने इन्होंने एक और नया विचार दिया कि नहीं, आप प्रोडक्शन कर रहे हैं ठीक है, वेल्थ जनरेट होगी, उस वेल्थ जनरेट होने से जो है वेलफेयर होगा ठीक है, लेकिन इसमें स्टडी क्या करना है, इसमें स्टडी तो ये करना है कि हम किस चीज का प्रोडक्शन करें, किसका नहीं करें, किस ज्यादा करें, कम करें, क्यों, क्योंकि जो रिसोर्सेस हैं वो जो है स्केयर है, स्केयर इट मीन्स ये कि लिमिटेड है, भाई हम हर सब कुछ तो नहीं कर सकते हैं। यदि हम आज एक काम कर रहे हैं दूसरा काम को छोड़ना पड़ता है हमें, जैसे क्यों, क्योंकि हमारा रिसोर्सेज जो लिमिटेड है। से फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं भी आपको इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा हूँ तो मैं आपको अकाउंट नहीं पढ़ा रहा हूँ अभी, या फिर जैसे कि मान लीजिए हमारे पास कुछ रिसोर्सेज है, मान लीजिए हमारे पास हमारे देश में जो है 10,000 लोग हैं जो अवेलेबल है मेरे पास किसी काम को करने के लिए, और 10,000 लोगों को मतलब हमने हमारे पास मान लीजिए हमने फैक्ट्री स्टार्ट की है, फैक्ट्री स्टार्ट की हमने कपड़े की स्टार्ट की है, अब कपड़े की स्टार्ट की है तो हम उसी वक्त प्लास्टिक की फैक्ट्री में काम नहीं करवा सकते ना। आई मीन टू से कि यदि उन 10,000 लोगों का आप उधर पहुंचा देंगे तो इधर काम नहीं होगा, या आधा दिन पहुंचाएंगे तो भी काम कम तो हो जाएगा ना।
यानी कि हमें डिसीजन लेना पड़ता है कि कौन से काम में कितने लोगों को पहुंचाएं, कौन से काम में कितने लोगों को पहुंचाएं, कितना रिसोर्सेज को कहाँ यूटिलाइज करें। और क्यों? क्योंकि रिसोर्सेज जो है लिमिटेड है। आपके पास, मैं ऐसे ह्यूमन रिसोर्स की बात कर रहा हूँ, ऐसे रॉ मटेरियल की बात हम कर लें, रॉ मटेरियल भी हमारे पास जो है लिमिटेड है। हम एक जगह यूज करेंगे दूसरी यूज नहीं कर पाएंगे, तो रिसोर्सेज जो लिमिटेड है तो हमें क्या करना पड़ता है, डिसीजन लेना पड़ता है। तो इकोनॉमिक्स जो है वो किस बारे में, वो कैसे लिमिटेड रिसोर्सेज में हम बेहतर डिसीजन लें और बेहतर प्रोडक्शन द्वारा कर पाए, इस बारे में, ऐसा लियोन रॉबिन्सन ने कहा। ठीक, उसके बाद में सेमिनसन आए, इन्होंने बोला कि हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, वेलफेयर हो रहा है, ठीक है, हम डिसीजन भी ले रहे हैं, पर ये सब किस चीज के लिए, ग्रोथ कर रहे किन कर रहे हैं, हम आगे बढ़ रहे किन बढ़ रहे हैं, तो आगे कैसे बढ़ा जाए, इस बारे में स्टडी है। ठीक, तो इन अलग अलग टाइम पर इसको डिफाइन किया गया इकोनॉमिस्ट को, और अल्टीमेटली एक निकल के कंक्लूजन आया। कंक्लूजन क्या आया कि कंक्लूजन ये आया कि इकोनॉमिक्स जो है आपको इकोनॉमिक डिसीजंस, इकोनॉमिक्स जो है वो आपको इकोनॉमिक डिसीजंस लेने में हेल्प करता है। ऐसा सब्जेक्ट है जो इकोनॉमिक डिसीजन लेने में हेल्प करता है। अब डिसीजन लेने लेते वक्त आपको क्या करना पड़ता है, डिसीजन लेते वक्त आपको जो है चूज करना पड़ता है कि ये काम करूं और ये काम ना करूं, क्योंकि एक काम करने के लिए दूसरा काम छोड़ना पड़ता है। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट मेकिंग चॉइसेस। हमें चूज करना पड़ता है ना, हमें चूज करना पड़ता है कि क्या करें और क्या ना करें। हम ये प्रोड्यूस करें तो ये नहीं कर पाएंगे, ये प्रोड्यूस करें तो ये नहीं कर पाएंगे, राइट है करोगे। आप मान लीजिए आपके पिताजी ने आपको 10 लाख रुपए दे दिए, जा बेटा बिजनेस कर, तो आपका सारा बिजनेस कर रहे हैं क्या, कोई एक बिजनेस करेंगे तो दूसरा नहीं कर पाएंगे। मान लीजिए आप एक कैफे डालना चाहते हैं, तो कैफे डालना चाहते हैं तो कैफे डाल दो आप, लेकिन कैफे डाल रहे तो उसी वक्त फिर आप चार आप उसी मतलब फैक्ट्री में डाल पाएंगे। मान लीजिए आपके पास दो आइडिया है दिमाग में, दो चॉइसेस है कि या तो आप एक फैक्ट्री डाल दें मार्केट बनाने की, या फिर आप एक कैफे डाल दें, है ना। और आपके पास है 10 लाख रुपए, दोनों में मान लो 10 लाख रुपए लग रहे हैं, तो आप एक ही काम कर पाएंगे, या तो आप फैक्ट्री डाल दो या फिर आप कैफे डाल दो। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, चूज करना पड़ता है। तो इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट मेकिंग चॉइसेस इन प्रेजेंस ऑफ स्केयरसिटी। प्रेजेंस ऑफ स्केयरसिटी क्यों, क्योंकि रिसोर्सेज जो है लिमिटेड है। पापा ने दिए कितने, 10 लाख रुपए दिए, अब 10 लाख रुपए में ही उनको बिजनेस करना खड़ा करना है, अब 10 लाख रुपए में खड़ा करना तो दोनों बिजनेस खड़े नहीं हो जाएंगे, एक करेंगे एक नहीं करेंगे, तो हमें चूज करना पड़ेगा। हमारे पास हो सकता है 4-5 आइडिया और भी हो, कैफे भी खोलने का आइडिया है, फैक्ट्री डालने का भी आइडिया है, आपको एक ऑनलाइन वेबसाइट वगैरह कुछ नया इंटरनेट बिजनेस करने का भी आइडिया है, आपके पास फर्नीचर बनाने का भी आइडिया है, 4 आइडिया है। अब 4 में से किसी किसको चूज करें, किस में ज़्यादा बेनिफिट है, किस में कम नुकसान है, तो ये सब चीज ऐसे सिचुएशन में आपको जो सब्जेक्ट हेल्प करता है वो सब्जेक्ट का नाम है इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट मेकिंग चॉइसेस इन प्रेजेंस ऑफ स्केयरसिटी। क्योंकि रिसोर्सेस लिमिटेड है इसलिए आपको चॉइसेस करना पड़ती है। तो कैसे चॉइसेस आप करें, कैसे आप कोई ऑप्शन चूज करें, उसी का नाम क्या है, उसी का नाम इकोनॉमिक्स है। ठीक है, तो आई होप कि आपको इकोनॉमिक्स क्या है वो समझ में आया होगा। और इकोनॉमिक को आप जिस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, इकोनॉमिक साइंस। अब इकोनॉमिक साइंस इट मीन्स ऐसा साइंस जो आपको इकोनॉमिक चीजों के बारे में ये बताता है कि ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, जैसे प्राइस बढ़ाओगे तो डिमांड कम हो जाएगी, प्राइस कम करोगे डिमांड बढ़ जाएगी, है ना, प्राइस बढ़ेगी सप्लाई भी बढ़ेगी। तो आपको या सप्लाई कम करोगे प्राइस जो है बढ़ेगी, जो भी कुछ है, तो आपको कुछ इकोनॉमिक चीजों के बीच में जो है रिलेशनशिप बताती है आपको इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स वो साइंस है जो आपको इकोनॉमिक डिसीजन लेने में हेल्प करता है, या फिर आप उसको सिंपली डिफाइन करें, इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट मेकिंग चॉइसेस इन प्रेजेंस ऑफ स्कार्सिटी। स्कार्सिटी का मतलब क्या हुआ, स्कार्सिटी का मतलब होता हुआ कि रिसोर्सेज जो है वो लिमिटेड है, रिसोर्सेज जो है वो लिमिटेड है। ठीक, तो आई होप कि डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक आपको क्लियर है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या डिफरेंस है, और उसके अलावा और कुछ छोटे मोटे जो टॉपिक्स है वो भी स्टडी करेंगे। आई होप कि आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं तो कमेंट लिखें, बिल्कुल सही फीडबैक दें। फिर मिलते रहेंगे, तब तक के लिए अलविदा, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू वेरी मच, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।